श्यामा, महासपति जी शिरडी वापस आ रहे हैं, उन्हें उनकी शतरंजी भी मिल गई है। कहाँ मिली बाबा, किसने चुराई थी? चोर पकड़ा गया बाबा। चोर शिरडी के बाहर का थाना देवा? असली चोर तो मन होता है, मन ही इंसान को लालची बनाता है। मन ही उसे अपराध करने के लिए उकसाता है। मन को शायद कोई शाप मिला है, वो इंसान को अच्छी बातों की तरफ, अच्छे कामों की तरफ कम ले जाता है, बुरी बातों और बुरे कामों की तरफ ज्यादा। मन बड़ा खुदगर्ज होता है, सबसे पहले अपना सोचता है, अपना भला, अपनी खुशी, अपना बचाव, और उसके लिए वो दूसरों का नुकसान करते वक्त जरा भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन जब मन साफ होता है, उजला होता है, तब उस पर मालिक की कृपा होती है, कभी मन पछताता है। वही मन इंसान को सच्चाई के सामने झुकने को कहता है, वही मन सारे संसार के सामने अपने आप को दोषी कहने के लिए तैयार कर लेता है। चोरी लालच भी करवाता है और चोरी मजबूरी भी करवाती है, चोरी जरूरत भी करवाती है और ईर्ष्या और द्वेष भी चोरी करवाते हैं। इसलिए चोरी अपराध है, लेकिन अपराध बड़ा हो या छोटा, ये चोर की नियत पर ही निर्भर है। नूरबाजी, आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत एक छतरी है, मेरे पास नहीं है, बारिश हो रही है झमाझम झमाझम, और मुझे बाजार से दवा खरीद कर लाना है। आप अपने काम में लगी हैं, आपका छतरी पर ध्यान भी नहीं है। मैं आपकी नजर बचाकर छतरी उठाकर भागता हूं, दवा लाता हूं और छतरी वापस वहीं रख देता हूं। अच्छा बताओ नूरबाजी, क्या मैंने चोरी की है? नहीं साईं बाबा, आपने चोरी नहीं की। क्या मैंने आपकी छतरी नहीं चुराई? नहीं, मेरी छतरी अगर मेरे पास ही है तो आपने चोरी कैसे की? और अगर इसी बीच आपको कहीं जाना होता और आपको अपनी छतरी नहीं मिलती तो आप यही कहती ना नूरबाजी कि आपकी छतरी चोरी हो गई है, कोई चोर ले गया है। और अगर मैं छतरी के साथ पकड़ा जाता तो मैं चोर था, क्योंकि सबूत मेरे हाथ में था, पराई छतरी मेरे पास थी। कहीं महालसापति की शतरंजी की चोरी भी कुछ ऐसी ही तो नहीं हुई? हाँ, वो तो महालसापति ही आकर बताएगा। हमें तो खुशी इस बात की है कि महालसापति की शतरंजी मिल गई। हाँ, सबका मालिक।